जय माता दी। दोस्तों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि आपको नवरात्रे में जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रों के जो दिन होते हैं इनके लिए काफी लोग बहुत सी चीजें करते हैं, जैसे मंत्र जाप दान आदि करते हैं, जिससे उनके जीवन में पूरा साल ही सुरक्षा और सुख और समृद्धि बनी रहे। लेकिन कुछ बहुत ही आसान सी लेकिन बड़ी ही चमत्कारी और महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं, जिनको आप आसानी से नवरात्रों में कर इस नवरात्रि का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि किस प्रकार आपको यह प्रयोग करना है और कितने ज्यादा लाभ आपको इससे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जब भी हम उनके लिए अपडेट लाते हैं तो यही अपडेट उन्हें सबसे पहले मिला करे। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले काफी वीडियोस में बताया है कि नवरात्रों के दिनों में आपको इन्हें व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा प्रयोग और जितने ज्यादा उपाय आप नवरात्रि में करते हैं उतना ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में जुड़ जाते हैं। यानी कि जो आज आपकी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, जो हालात आपके बिगड़े हुए हैं, उन सभी में आपको जरूर ही और निश्चित ही फायदा मिलता है। नवरात्रि के यह दिन ऐसे होते हैं कि इनमें कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो इससे पूरे साल ही उन चीजों का असर आपके ऊपर पड़ता रहता है। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रों में शराब आदि का सेवन करता है तो उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य और शनि की महादशा चल पड़ती है, जिससे चाहे कितनी भी सफलता उसे मिलती हो एकदम से ही उसे बहुत ज्यादा नुकसान और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हमने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए, इसीलिए उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं और आपका गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में है तो दोस्तों आपको यह प्रयोग जरूर ही करना है। नवरात्रि में खास करके अगर आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवले का रस मिलाकर रोजाना नहाते हैं और नहाने के बाद देवी माता की पूजा करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं और अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हैं, तो इससे आपके जीवन में मनोकामना तो पूरी होती ही है, बल्कि आपके जीवन में गुरु ग्रह भी बलवान होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों का गुरु ग्रह कमजोर होता है, इसका सीधा और आसान संकेत यह है कि उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी वह बहुत ज्यादा परेशान रहता है, यानी कि खुद ही अपने आप ही बाधाओं में हमेशा फंसता रहता है और उसका कोई भी कार्य आसानी से और जल्दी नहीं हो पाता है। होते हैं लेकिन जल्दी नहीं हो पाते हैं, पूरा स्ट्रगल करवा कर ही उस व्यक्ति का कार्य होता है। यही बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि आपका गुरु ग्रह कमजोर है। अगर आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनती है तो दोस्तों आपको यह प्रयोग नवरात्रि में जरूर ही करते रहना चाहिए और खास करके नहाने के बाद देवी दुर्गा पर घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूला करें, लेकिन ध्यान रखें कि उस दीपक में आपको हल्दी एक चुटकी डालनी है। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह बलवान बनता है और आपको सफलताएं निश्चित ही मिलती हैं। अगर आपके कार्य में बाधाएं आती हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल हमेशा बना रहता है, तो दोस्तों इसी प्रकार का प्रयोग नवरात्रि में आप ज्यादा से ज्यादा किया करें, क्योंकि जब भी नवरात्रि में आप इन चीजों को करते हैं तो इससे आपके जीवन में गुड कर्मास जुड़ जाते हैं, जो आपको जरूर ही फायदा पहुंचाते हैं। इस प्रयोग को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए आप आंवले के रस में देवी दुर्गा का मंत्र 108 बार पढ़कर भी उस रस को पानी में मिलाकर भी नहा सकते हैं। लेकिन मंत्र जाप के लिए जब ही आपको फायदा होता है जब आप रोजाना किसी एक मंत्र का जाप करते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते रहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक माला रोजाना किसी न किसी मंत्र की जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो माला आपके पास होती है वह सिद्ध होती है और उसी माला का प्रयोग आप किसी और मंत्र जाप के लिए करते हैं, उसी देवी के लिए या उसी भगवान के लिए, तो इससे आपके जीवन में बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इस टॉपिक पर हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे कि कितने ज्यादा लाभ आपको माला से जाप करने से मिलते हैं और किस प्रकार आपको मंत्र सिद्ध करना चाहिए, रोजाना मंत्र जाप के लिए किस प्रकार आपको अपनी जिंदगी अनुसार मंत्र चुनना चाहिए, यह सभी जानकारी हम अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।